गाड़ियों के साथ में पता नहीं अंदर है इसको 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 ना ना भाई कैमरा थोड़ा अच्छे करो, कहाँ आप कर रहे हो? इंद्रधनुष के रंग लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मंदिरों के शहर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षण संस्थाओं का शहर बना दिया। दूसरा कोई शहर नहीं है आज देश में जहां इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हों, और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी की जरूरतों को नौजवान पूरा कर सके इसकी पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू शहर में हुई है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद उसी स्तर से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आगे चलकर भविष्य में नई पीढ़ी के सामने संभावनाएं निश्चित रूप से सीमित होंगी। और इसलिए बार बार एक बात कही जाती है कि सभी सेक्टर्स में समान ग्रोथ हो, ये बड़ा आवश्यक है और तालमेल रहे, तभी हम लॉन्ग टर्म में सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध, जीवंत, खुशहाल और स्वस्थ जम्मू बनाने में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए स्वस्थ शहर के निर्माण के लिए आवश्यक है कि व्यवस्था का निरंतर, जो बात सभी मेहता जी कह रहे थे, इवैल्यूएशन हो और समय के अनुसार उसमें बदलाव किए जाएं। अब समय आ गया है कि स्थानीय लोगों को सिविक सर्विसेज, अन्य सरकारी सेवाओं के मामले में, जो मेयर साहब कह रहे थे कि ये माइंडसेट का सवाल है, सही है कि इसमें समय लगता है, जब आदत पड़ जाती है तो बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रवैया सबको बदलना चाहिए और उसी में जम्मू शहर विकसित हो सकता है। कल भी मैंने एक बात कही थी कि अगर अच्छी सेवाएं चाहिए तो सक्षम लोगों को उसका भुगतान करना चाहिए। अब फ्रिज खरीदेंगे हम, बढ़िया से बढ़िया फ्रिज खरीदेंगे, हीटर भी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे, सारी सुविधाएं जो ठंड में चाहिए वो बेहतर से बेहतर हमारे घर में होनी चाहिए, लेकिन जिस बिजली से वो बेहतर ढंग से चलती है उसका भुगतान होगा कि नहीं होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह बराबर लगा रहता है, लोग हंसते भी हैं जब मैं कहता हूँ। मेरा निवेदन है कि उसके साथ साथ जिस चीज से ये सुविधाएं हमें मिल रही उसका भी भुगतान, क्योंकि उसमें अब कोई कंसेशन नहीं, यहाँ एमनेस्टी लाई जाती है तो भी लोग अभी देर कर रहे हैं, और इस बार एमनेस्टी मैंने आखिरी है, इसके बाद फिर आने वाली नहीं है, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, तो उसका लाभ लोगों को उठा लेना चाहिए।